अभी मैं रहती हूँ जहांगीरपुरी में जी ब्लॉक। मेरे फादर को 16th की रात को 2 बजे उनको वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए, तो हम लोग उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए शालीमार बाग। वहां पर डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा एंड टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद हमसे बिना पूछे हमारी कोई राय नहीं ली गई, उन्होंने कहा कि सरकार के ऑर्डर है, उन्होंने उनको लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। 18 तारीख को शाम को करीब 8-9 बजे 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद एम्बुलेंस में उन्हें एडमिशन दिया गया। एडमिशन के बाद अगले दिन तक 12 बजे तक उन्हें कोई खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया। अगले दिन 9 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट मिला। वो शुगर के और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको खाना नहीं मिलता है तो उनका ग्लूकोज लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए आज क्या तारीख है, आज 20 तारीख है और आज सुबह 5 बजे उनका फोन आया है कि वो उनको 102 बुखार है और उनसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है। और वो उन्होंने फिर भी साथ के लोग जो वहां पे बोर्ड में है उनको कहा, नर्सेस को कहा, बट कोई वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उनको कल बोला गया वहां पर कि उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी में लेकर जाया जाएगा नरेला, और उन्होंने उसके लिए 9 घंटे वेट करा। सुबह 2 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे उनका फोन आया कि अब लेट हो गया है, तो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि कल लेकर जाएंगे। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे, वहां पर उनकी बिल्कुल केयर नहीं होती। परसों से अभी तक उनको डॉक्टर ने नहीं देखा है, सुबह उनका फोन आया कि मेरे को 102 बुखार है, मुझे कहीं प्राइवेट लेके जाओ प्लीज, हमारी मदद करें। अगर केजरीवाल साहब सीएम दिल्ली के देख रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं पीएम, तो प्लीज इसको एक्नॉलेज में ले। जो न्यूज में दिखाया जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत फर्क है। हमने कहा कि हम प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो बोल रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस नहीं है, हम घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए मैंने अभी ट्विटर का अकाउंट बनाया है, मेरा कोई अकाउंट नहीं था, मैंने अभी सीएम को पीएम को टैग करा और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। प्लीज अगर जितना आप इसको बुलावा है उतना बुलाए, शायद आप किसी की जान बचा लें। उनका फोन आया, उनको हम यही बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बट एक रियलिटी होती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अलग होता है।